देखो मॉनिटर की थिकनेस कितनी है भाई, देख लो एक उंगली बराबर थिकनेस नहीं है उससे भी, मतलब कि ये दो ट्रे लगी हुई है वो जो कि स्लाइड होती है प्रॉपर। ये रहा आपका कार्ड रिपब्लिक ऑफ गेमिंग, और ये मॉड केबल डोमिनेटर 128 GB डिस्प्ले LCD का लिक्विड कूलर प्रॉपर। तो भैया थंबनेल देख के अंदर आए हो ना, 8 लाख का बेटा बिल्कुल सही बात है भाई, फुल बिल्ट है। 49 इंच का OLED LED टीवी दिया हुआ है, टीवी कह रहे सॉरी मॉनिटर दिया हुआ है, 4K मॉनिटर है, QHD मॉनिटर है। सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सब, माय सेल्फ अंकित कुमार शर्मा। तो भैया ये बिल्ट है मिलेनियर YT का भाई, करोड़पति यूट्यूबर हिंदी में कहते हैं, ठीक है। और भाई 122K का सब्सक्राइबर है, अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए मना किया है। तो भैया एक काम करते हैं, आपको केवल हम डिटेल में समझाते हैं कि इन्होंने 8 लाख का बिल्ट क्यों लिया है और कौन कौन से कंपोनेंट हमने क्यों सजेस्ट किए हैं। भाई देखो एक से कंपोनेंट है, QHD फर्स्ट टाइम इंडिया फर्स्ट मॉनिटर है, इसकी अनबॉक्सिंग अलग से आएगी भाई, आई बटन में डाल देना कोशिश करना या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देना, क्योंकि भाई बिल्ड इतना बड़ा है कि पूरी डिटेल शायद नहीं हो पाएगी। तो केवल बिल्ट बिल्ट आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं कंपोनेंट कौन कौन से हैवी यूज़ किए हैं भाई, अपनी तरफ से पूरी ट्राई करते हैं, आप लोग भी बनी रहिएगा। चैनल बनाया है तो क्या करना है भाई, सब्सक्राइब कर लेना भाई, मेहनत कर रहे हैं थोड़ी सी आप अप्रिशिएट कर दीजिएगा, मजा आ जाएगा। बिल्ट को ले आते हैं आगे और दिखाते हैं कौन कौन से कंपोनेंट है। तो भैया बिल्ट स्टार्ट से पहले मॉनिटर के लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई टेबल पे जगह थोड़ी कम है, पहले मॉनिटर का इंट्रोडक्शन करा देते हैं। तो ये मॉनिटर है LG अल्ट्रा गेयर सीरीज, OLED डिस्प्ले है जो कि QHD है। ये आपकी 48 इंच की, भाई मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, मॉनिटर दिख रहा है, 48 इंच का मॉनिटर है जो कि QHD है। 138 तक ऑरो क्लॉक होगा और इसका रिस्पॉन्स टाइम 0.1 GTG है। तो भैया मॉडल नंबर कौन सा है, LG 48GQ900। तो भैया इसको पहले रख लेते हैं, जगह खाली कर लेते हैं ताकि हम लोग बिल्ट स्टार्ट कर सके और कैबिनेट की अनबॉक्सिंग कर सके। तो ये मॉनिटर लास्ट में दिखाएंगे, और दूसरी चीज़ इस मॉनिटर की सेपरेट वीडियो आएगी भाई, प्लीज़ आई बटन में डाल देना या लिंक में डाल देना ताकि ये लोग इसकी अनबॉक्सिंग प्रॉपर देख सके। अब स्टार्ट करते हैं बिल्ड और दिखाते हैं कि इसमें हम कौन सी कैबिनेट यूज़ कर रहे हैं। सो गाइज अगर आपको भी कोई इसी तरीके से पीसी बिल्ड करना है तो सबसे पहले हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मेरा नाम शादाब खान, ये आपकी भाभी निशी भाभी, आप अंकित कुमार शर्मा, अंकित कुमार शर्मा। तो हमारा जो स्टोर का नेम है वो मिस्टर पीसी वाले, सिचुएटेड है हजरतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगर आपको कोई इसी तरीके से पीसी बिल्ड कराना है, हम लोग ऑल ओवर इंडिया शिपिंग करते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट खोल के देखिए, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पे हर स्टेट वाइज हमने लिख रखा है कहाँ कहाँ हमने शिपिंग की है। अगर आपको हमसे पीसी परचेस करना है तो अभी हमारे पास 2 वेज हैं। सबसे पहला वेज है व्हाट्सएप, हमारा व्हाट्सएप नंबर है क्या है, 9532777615। वहाँ पे टेक्स्ट मैसेज करिएगा और आपको जल्द से जल्द रिवर्ट मिल जाएगा। वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा व्हाट्सएप पे, वो फॉर्म आप फिल कर दीजिएगा, आपको रिवर्ट मिल जाएगा। बाई चांस रिवर्ट नहीं मिलता है, क्या नंबर क्या है, 9532777615। अदरवाइज जो सेकंड ऑप्शन हमसे कॉन्टेक्ट करने का है वो मैडम क्या है, सेकंड ऑप्शन है इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, यूजर हैंडल है हमारा मिस्टर पीसी वाले विदाउट एनी स्पेस, वहाँ पे जाके आप डीएम कर सकते हो और वहाँ पे भी आपको एक ऑटो जनरेटेड फॉर्म मिलेगा जिसे आप फिल कर दोगे। वहाँ पे मैं आपसे कोऑर्डिनेट करूंगी, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगी और फिर हम बात करेंगे। और हाँ, फेक पेज से बचना, हमारे बहुत सारे हमारे नाम के फैन पेज फेक पेज बने हुए हैं, तो प्लीज उनसे बचना, बचिए, ठीक। और इसके अलावा अगर आप चाहते बताएं आपको, हम लोगों ने इंडिया के काफी बड़े बड़े गेमर्स के पीसी बिल्ड किए, जैसे अंतर्यामी गेमिंग, बंदूक बास, साइबर, एंड्रियोबी, किलचोर, राही, मतलब एटसेट्रा सारे। और आपको बताएं इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, व्हाट्सएप नंबर का भी, सारे यूट्यूबर अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। तो आप हमसे भी इसी तरीके पीसी ले सकते हैं, इतनी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने हमारी सुनी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, एंजॉय करिएगा, खोलते हैं भाई, देखते हैं कितनी ताकत लगती है। लगाइए भैया आप लोग भी जोर, जो लगाइए लाइक कर दीजिएगा भैया। भैया अनबॉक्सिंग हो गई, अब इसको आराम से अलग कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको कैबिनेट। तो भैया कैबिनेट अपनी अनबॉक्स हो गई, 2 बॉक्स निकले हैं भाई, इसमें ऑलरेडी पहले से 1000D बिल्ड की हुई है, इसमें ग्लास रखे हैं तो उसको सेफली बॉक्स में रख देते हैं। तो भैया कैबिनेट अपनी भरी मुशक्कत के साथ कैबिनेट अपनी अनबॉक्स हो गई है। तो कैबिनेट में टॉप पे हम लगाने वाले हैं 420 mm का AIO, वो भी 6 फैन के साथ, और फ्रंट पे इसमें लगेंगे 8 फैन। तो पहले कंपोनेंट की बात करते हैं, जबरदस्त मदरबोर्ड का यूज किया, ROG Maximus Hero Z790 हीरो, भैया हीरो है प्रोडक्ट, मदरबोर्ड में ये हीरो भी है। दूसरी चीज भैया सील्ड पैक प्रोडक्ट है भाई, मिलेनियर YT देख लो भाई, सील्ड पैक मदरबोर्ड, और ये रहा इसका सीरियल नंबर। और इसको करते हैं अनबॉक्स, ये देखो भैया सील्ड पैक है और ये खोल दिया बोर्ड। तो भैया पैकिंग जबरदस्त,
जैसा कि आरओजी स्ट्रिक का बोर्ड है, तो भाई वो ऑलरेडी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बोर्ड की देखें तो भाई अच्छा खासा वेट है। आयो पोर्ट की बात करें तो ए टू जेड कोई फंक्शन ऐसा नहीं है जो उस पर ना दिया हो। आपकी टाइप सी 3.0, टाइप सी के तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, कि आपका वाईफाई 6 दिया हुआ है और ये सब पूरे पोर्ट वगैरह कंप्लीट दिए हुए हैं। ऑप्टिकल ऑडियो वगैरह दिया हुआ है ए टू जेड। भाई काफ़ी हैवी मदरबोर्ड है। स्टील कोटेड पीछे एक स्लॉट दिए हुए हैं और NVMe के अगर स्लॉट देखे बात करें तो 1, 2, 3, 4 NVMe के स्लॉट दिए हुए हैं। टाइप सी वगैरह दिया हुआ है, थंडरबोर्ड वगैरह प्रॉपर दिया हुआ है। भाई बोर्ड की बात करें तो ओवरऑल हीरो इज हीरो। दिखाते हैं आपको नेक्स्ट कंपोनेंट। तो भैया प्रोसेसर की बात करते हैं, 13900K प्रोसेसर लिया है भैया। 24 कोर का प्रोसेसर है, 8 आपकी परफॉर्मेंस कोर है और इसकी 16 है आपकी एफिशिएंसी कोर। तो भैया 36 MB कैश पे आता है, 5.40 मैक्स बूस्ट होता है। तो भैया वाईटी साहब और इसमें दिखाते हैं भैया कैसे आता है। ये कर दिया आपका अनबॉक्स। तो भैया इंटेल की प्रेजेंटेशन पहले से ही हाईफाई रही है और ये खोल लेते हैं बॉक्स। प्रोसेसर आपका 13900K मैक्समस आपका हीरो बोर्ड। तो बंडल 8 लाख के हिसाब से आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सिलेक्शन सही हुआ है कि कुछ और भी कर सकते थे यहाँ पे। तो भैया रैम की बात करेंगे, कोर्सियर डोमिनेटर भाई 5600 MHz RGB रैम है, 64/64 की किट है, 128। तो सीरियल नंबर की बात करें तो भैया ये देखो ये रहे सीरियल नंबर। लेटेंसी की बात करें तो 40/40/40/77 लेटेंसी दी हुई है। भाई सील्ड पैक है, 10 ईयर वारंटी पे आती है, 5600 MHz RGB। एक अनबॉक्स कर लेते हैं फिर दूसरी आपको दिखाते हैं। भैया रैम अपनी अनबॉक्स हो गई है, काफ़ी वेटेड रैम है और देखिए भैया डिज़ाइन वाइज एक रैम आपको थोड़ा क्लोज आके दिखाओ भाई, ऐसे पता नहीं चलेगा आप लोगों की किस टाइप की रैम है। कैमरा आई थिंक जज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन भाई ऑसम रैम है, काफ़ी वेट है, लेंथ भी अच्छी हुई है, वेट भी अच्छा है। ये देखिए RGB टेक्चर यहाँ पे दिए हुए हैं, .. डोमिनेटर लिखा हुआ है, कोर्सियर डोमिनेटर प्लैटिनम RGB। तो भैया ये रही रैम आपकी। तो भैया NVMe की बात करेंगे, WDSN 850 1TB की 7300 MB/s जो कि 5 ईयर वारंटी पे आती है WD की। और भैया देखिए दो NVMe लिए 1 1TB की, आई थिंक इतना डेटा सफिशिएंट है, बाकी अगर कोई नीड रहेगी भाई को तो बाद में और एक्सटेंड कर लेंगे। इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग और दिखाते हैं आपको क्लोजली। भाई देखो मिलेनियर वाईटी भाई, ये देखो दोनों तरफ से सील्ड पैक है आपकी NVMe, ये देखो भाई सील पैक है। और इसको कर लेते हैं अनबॉक्स और ये रहे इसके सीरियल नंबर। सीरियल नंबर दिख रहे हैं भाई, सीरियल नंबर और इसके ये देखिए सीरियल नंबर, देखो प्रॉपर दिख रहे हैं सीरियल नंबर। तो NVMe भाई देखने में इस टाइप से है अपनी 1 1TB की आपकी Zen 4 की NVMe। अब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट कंपनी। तो भैया सप्लाई की बात करते हैं, आसूस की आने वाली सप्लाई है ROG Thor जो कि 1200 W प्लेटिनम सप्लाई दी हुई है। ये देखिए और ये देखिए भैया ये रहा सीरियल नंबर और इस पर लगी है एक लेमिनेशन और अंदर भी एक दी हुई है सील। तो ये आपकी हो गई अनबॉक्स और सप्लाई को अगर खोल के देखा जाए तो भैया 10 ईयर वारंटी पे आती है सप्लाई। और दूसरी चीज़ भाई सप्लाई की खासियत ये है, एक तो ये प्लेटिनम है और जिस हिसाब से हम लोग 4090 ग्राफिक कार्ड का यूज़ कर रहे हैं आई थिंक एक परफेक्ट सप्लाई है। और दूसरी चीज़ भाई इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ ये दी हुई है कि PCIe 5 केबल दी हुई है जो कि डायरेक्ट SMPS से कार्ड पे जाके लग जाएगी। ये एक फीचर अच्छा दिया हुआ है, बाकी जितनी भी हायर एंड सप्लाई आती है सब में मिल जाता है, लेकिन ये है कि अब ये लेटेस्ट मॉडल आया है P2 इसमें जो ये केबल इन्होंने इंक्लूड कर दी है। बाकी अगर सप्लाई की बात करें तो ये सप्लाई दी हुई है आपकी ROG लिखा हुआ है, यहाँ पे आपकी RGB वगैरह जलती है और ये टेक्चर जो दिया हुआ है आपका ये भी पूरा ग्लो करता है। ये लिखा हुआ है आपका रिपब्लिक ऑफ गेमर थॉर। तो भैया अच्छा खासा वेट है और आपका 4090 के हिसाब से बहुत अच्छी सप्लाई है। दिखाते हैं आपको नेक्स्ट कंपोनेंट। तो भैया AIO कूलर की बात करेंगे, H170i जो कि आपका 420 mm का लिक्विड कूलर है। इसमें हम लगाने वाले हैं 6 फैन, 3 फैन इसके यूज़ करेंगे, 3 फैन हम ऐड करेंगे अलग से और ये आपका इंस्टॉल होगा यहाँ पे, इंस्टॉलेशन यहाँ पे करेंगे। ये आउटटेक में रखा जाएगा, 2 फैन यहाँ आउटटेक में रखा जाएगा और बाकी यहाँ पे 8 फैन इनटेक रखे जाएंगे। तो भैया इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। तो सीरियल नंबर की बात करेंगे, ये रहा इसका सीरियल नंबर। भाई पूरी लेमिनेशन पन्नी वगैरह पूरा सील्ड पैक है और इसको कर लेते हैं अनबॉक्स।
भैया तीन फैन हो गए आपके 140 mm के साथ में कमांडो प्रो इसका निकला हुआ है जो कि यूज करना है हमें इसको रन करने के लिए। और ये रहा आपका रेडिएटर जो कि LCD डिस्प्ले के साथ आता है। तो भैया फैन की बात करेंगे तो कोर्सियर के QL120 और 140 फैन की किटें यूज कर रहे हैं। 8 फैन यूज करेंगे जैसे बता चुके भैया, 8 फैन लगते हैं फ्रंट में जो कि इनटेक रहेंगे और AIO के साथ 3 फैन 140 mm के और बैक साइड में 140 140 यानी कि 140 mm के 5 फैन। ये भी कर लेते हैं भाई अनबॉक्स। साथ में एक स्ट्रीमर केबल यूज़ की है जो कि 24 पिन की दी हुई है जो कि हम यूज़ करेंगे SMPS की 24 पिन केबल के साथ में जो कि ये ग्लो करती है। इसका बस ये है कि लुक के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इस केबल को यहाँ पर। अब भाई दिखाते हैं इसको, अनबॉक्स कर लेते हैं, पूरा टाइमलाइन से इंजॉय करिए और फिर दिखाते हैं आपको सारे कंपोनेंट। Yo, raising the Tobago's, we growing like fresh tomatoes. Them boys on fuego, we pass it round hot potato. Everything is new wavo, I'm with my sweetie like Quavo. Need my cheese, need. तो भैया फैन सारे अनबॉक्स हो गए हैं। ये रहे आपके 120 mm के और ये रहे आपके 140 mm के फैन। तो आपके हिसाब से हो गए भाई सारे, सारी डिटेल वगैरह कंप्लीट? और कुछ बचा तो नहीं है? वाह भैया कार्ड उठाओ यार नीचे से जरा जल्दी से। और ये रहा आपका ग्राफिक कार्ड 4090 ROG स्टिक। तो भैया ये रहा ग्राफिक कार्ड, दोनों तरफ से सील्ड पैक, ये आसूस की सील लगी है और ये भी यहाँ से सील्ड पैक। सीरियल नंबर की बात कर जाए भाई, ये रहा इसका सीरियल नंबर। और इसको करते हैं अनबॉक्स और दिखाते हैं कि आपकी इसकी क्या स्थिति है और कैसे ये आपको प्रेजेंटेशन दे रहा है आसूस। ये हुआ अनबॉक्स, यहाँ लिखा हुआ है आपका ROG स्टिक, बाकी टेक्चर बने हुए हैं आपके ROG स्टिक, रिपब्लिक ऑफ गेमिंग सब कुछ लिखा हुआ है। और इसको खोलते हैं भाई साहब, ये रहा आपका ग्राफिक कार्ड। ओ भाई ये रहा ग्राफिक कार्ड भैया, जो कि आता है 24 GB का ग्राफिक कार्ड है। और ब्रांड की बात करेंगे ROG स्टिक, कोई ऐसा बंदा है नहीं जो ये मना कर दे कि हम इस ब्रांड को जानते नहीं हैं। क्वालिटी वाइज बात करें तो A1 प्रोडक्ट है भाई, काफ़ी भारी और विकेट है और मुझे आई थिंक मुझे नहीं लगता कि IT में इससे अच्छा कार्ड कोई इस टाइम पे अवेलेबल है। 3 फैन के साथ आता है और बाकी इससे पहले भी हम लोगों ने अनबॉक्सिंग की है, यहाँ पर RGB टेक्चर वगैरह दिया हुआ है। और पोर्ट की बात करेंगे, बैक प्लेट में पूरा आपका मेटल वगैरह दिया हुआ है। और ये रही आपकी आसूस की सील। और इंटरनल सीरियल नंबर की बात करें तो ये रहा इसका इंटरनल सीरियल नंबर। और पोर्ट की बात करेंगे तो ये आपके 5 पोर्ट दिए रहते हैं, आई थिंक एक HDMI और आपके 4 डिस्प्ले पोर्ट दिए रहते हैं। ये देखिए भाई साहब, वेट की बात करें तो काफ़ी वेटेड ग्राफिक कार्ड है भैया। तो भैया कंपोनेंट सारे अनबॉक्स कर लिए हैं भाई, देखो पूरा एक बार एक नज़र मार दो। ये 4090 ग्राफिक कार्ड हो गया, 420 mm का रेडिएटर हो गया जो कि मुझे नहीं लगता है कि इससे हैवी कोई और रेडिएटर इस बिल्ड में सफिशिएंट रहता। 1200 वाट की थॉर सप्लाई होगी जो कि 4090 के लिए सफिशिएंट है। आपकी डोमिनेटर 128 GB टोटल रैम है, 32x4 रैम हो गई, 1120 की 2 NVMe 13900 के। और ये रहा आपका मैक्समस हीरो मदरबोर्ड और ये पूरी एसेसरीज। तो भैया ये सारी चीज़ें अनबॉक्स हो गई है, अब इसको बिल्ड को करते हैं स्टार्ट। देखते जाइए शॉर्ट्स और सारे एक एक करके। तो भैया बंडल अपना रेडी हो गया, 128 GB की रैम ये देखो और 13900 के, 1 TB यहाँ पे स्टॉल एक लगा दी, एक 1 TB यहाँ पे लगा दी। तो बंडल रेडी है, पहले इसको सेफली कैबिनेट में इंक्लूड कर देते हैं, फिर उसके बाद लगाते हैं फैन सारे और AI वगैरह का इंस्टॉलेशन करते हैं।
तो भैया बिल्ट अपना लगभग लगभग रेडी कर दिया है भाई, इंटरनल केबल मैनेजमेंट दिखा दो भाई। देखो ये सब केबल लगी हुई है आपकी, यूएसबी, यूएसबी के ऑप्शन भी बहुत सारे लेने पड़े, कमांडो प्रो में ऑप्शन रहते हैं आपके यूएसबी ज़्यादा रहने के, तो कनेक्टर केबल्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करनी पड़ी। दो हो गए 3.0 पोर्ट, एक थंडरबोल्ट पोर्ट और एक 24 पिन के साथ ये एक्स्ट्रा 6 पिन की सप्लाई बोर्ड पे और जाती है, क्योंकि ये बोर्ड थोड़ा सा हायर एंड बोर्ड है, तो हायर एंड बोर्ड में ये आपके 24 के साथ ये 6 पिन की सप्लाई आपको एक एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, और ये आपकी 16 पिन की सप्लाई। और इंटरनल देखिए ऊपर का जो AIO का सेक्शन था वहाँ पर आपका जो कमांडर प्रो दिया हुआ था ये मैंने यहाँ पर स्पेस होने की वजह से अलाइन कर दिया है, तो इंटरनल केबल मैनेजमेंट ऐसा आया है। कार्ड लगाते हैं और फिर दिखाते हैं कि बैक साइड का केबल मैनेजमेंट कैसा आया, और बताते भी हैं केबल किस हिसाब से इसमें इंक्लूड की गई है। तो पहले लगा लेते हैं ग्राफिक कार्ड, फिर दिखाते हैं आपको मशीन का लुक, बने रहिएगा वीडियो भाई। तो भैया कार्ड अपना लगा दिया गया है, होल्ड कर दिया गया है, और भाई देखो लुक इसका जो आ रहा है एकदम बिल्कुल ऑसम लुक आ रहा है। 4090 ग्राफिक कार्ड, ROG स्ट्रिक मोट केबल, आपकी 128GB डोमिनेटर, और ये आपका डिस्प्ले आया है। देखिए प्रॉपर जो इंटरनल केबल भी इसकी एकदम प्रॉपर ठीक से आई है, और अगर AIO की बात करें तो AIO भी स्लाइड कर दिया गया है प्रॉपर उसका। सूफी इंटरनल दिखाओ जरा केबल कैसे डालिए, तो वो केबल में आपका AIO का कमांडर प्रो यहाँ पे एडजस्ट कर दिया गया है, और इसका AIO का कमांडर एक आपका ये कंट्रोलर यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है, तो दोनों ही आपकी ट्रे स्लाइड हो चुकी है, जो कि मैं दिखाऊंगा आपको, ऑन करके दिखाऊंगा और इसको स्लाइड करके दिखाऊंगा कि कैसी लग रही है, और प्रॉपर आप कभी भी इसका आपको क्लीन करना हो, साफ़ करना हो, कुछ भी करना हो, तो प्रॉपर आराम से आप इसको मैनेज करके देख सकते हैं आराम से। तो ओवरऑल अगर बैक साइड की केबल मैनेजमेंट की बात करें तो भाई देखो चार कंट्रोलर लगे हुए हैं, 1, 2, 3 और एक वहाँ पर लगा हुआ है, 4 कंट्रोलर, 16 फैन, इतनी सारी केबल थी, मैनेज करते करते भाई हालत ख़राब हो गई, लेकिन जो हो सका था बेस्ट वो उतना कर दिया है। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि 1000D का केबल मैनेजमेंट कैसा लगा देखने में आपको, और बाकी कैसा लगा पीसी आपको बताइएगा। अब इसका साथ को एक काम करते हैं, मॉनिटर रखा है ये रहा भाई, 48 इंच का मॉनिटर है ये रहा भाई, इसको जरा ओपन करने में लगेगा टाइम, बने रहिएगा वीडियो में, इसको अनबॉक्स करते हैं और फिर दिखाते हैं मशीन को ऑन करके इसके साथ में लगा के इसका लुक दिखाते हैं, ओवरऑल लुक कैसा आ रहा है बिल्ट का बताइएगा आप लोग। तो भैया मॉनिटर अपना अनबॉक्स कर दिया, मॉनिटर है GQ900 4K मॉनिटर है, 48 इंच का, 138 ओवरक्लॉक पे, 0.1 ms पे, तो मॉनिटर ये रहा, मशीन अपनी बिल्कुल रेडी है भाई, केबल वेबल सब मैंने मैनेज हो चुकी है, इस टाइप से केबल मैनेज कर दिए कि भाई अपना कभी भी सर्विसिंग वर्विसिंग कर सकता है, फैन वगैरह क्लियर कर सकता है, और इस हिसाब से पूरी क्लियर कर दी गई है। ये दो ट्रे लगी हुई है वो जो कि स्लाइड होती है प्रॉपर, ये रहा आपका कार्ड रिपब्लिक ऑफ गेमिंग, और ये मोट केबल डोमिनेटर 128GB डिस्प्ले LCD का लिक्विड कूलर प्रॉपर टाइमिंग एमिंग के साथ में, और ये आपके प्रॉपर फैन वगैरह सब कुछ मैनेज, A to Z सेट, 2 TB की NVMe और 13900 के प्रोसेसर। भैया बिल्ट रेडी, मॉनिटर ये रहा, अब स्टार्ट करेंगे बेंचमार्क और दिखाएंगे भैया परफॉर्मेंस क्या निकल के आती है, 4K मॉनिटर और उसके हिसाब से आपका 4090 ग्राफिक कार्ड। तो भैया बिल्ट कैसा लगा जरूर बताइएगा, देखिए चेक करिए कैसी आती है परफॉर्मेंस।
तो भैया परफॉर्मेंस भी देख ली भैया, 4K मॉनिटर यार, सूफी तुमने दिखाया नहीं कि मॉनिटर थिन कितना है। मॉनिटर की अगर अनबॉक्सिंग देखनी हो, इसकी एक सेपरेट वीडियो अलग से शूट की है, चैनल पर जाइएगा, चेक करिएगा, इसकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग की है, प्रॉपर ओपन करके इसको दिखाया भी है कि इसके स्पेक्स क्या है और ये कैसे अनबॉक्स होता है। भाई मैंने अपनी तरफ से प्रॉपर जितना भी बेस्ट हो सकता था वो कर दिया, बाकी हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर लेंगे, जब भी आपको बेल्ट आपके पास आ जाएगा सेफली, यहाँ से जल्दी शिफ्ट कर दे रहे इसको, और जो भी कोऑर्डिनेट कर लेंगे वीडियो कॉल कर लीजिएगा, हम लोग मैनेज कर लेंगे, ठीक है। अगर इसको थोड़ी सी बिग मशीन है, अगर इसको असेंबल करने में या सेटअप इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। तो बिल्ड भाई आप लोगों को बिल्ड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मॉनिटर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और थिकनेस की बात करेंगे, भाई देखो देखो मॉनिटर की थिकनेस कितनी है भाई, देख रहे हो, एक उंगली बराबर थिकनेस नहीं है, उससे भी मतलब कि मुझे लग रहा है कि 0.5 mm मतलब बहुत माइनर सा है, बहुत थिकनेस है। तो भाई इसकी वीडियो अगर अलग से देखनी हो तो चैनल पर देख लीजिएगा, भाई थोड़ी सी ये देख लीजिएगा कि अगर कोई कमी रह गई हो तो समझ मैनेज कर लीजिएगा, और बिल्ट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर ऐसी आपको बिल्ट परचेस करने हो तो व्हाट्सअप पे आप मैसेज कर दीजिएगा, आप जल्द से जल्द रिप्लाई कर देंगे, वहाँ से रिवर्ट ना आए तो अपनी भाभी को DM कर लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, जल्द से जल्द आपके रिवर्ट आ जाएंगे। और दूसरी चीज़ थोड़ी सी भाई एक सपोर्ट ये करिएगा कि इस टाइप के अगर बिल्ट आए तो अप्रिशिएट कर दिया करिएगा भाई, कुछ ना कुछ कमेंट सेक्शन में बोल दिया करिए, ताकि कोई कंटेंट बनाने से पहले हम देखें कि हाँ भाई कम से कम आप लोग अप्रिशिएट करते तो मन तो करेगा बनाने के लिए। तो भाई बिल्ट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, एज ऑलवेज मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए और ऐसी दोस्ती बनाए रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।